आकांक्षी युवा, लोकतांत्रिक भारत और साझा भविष्य। युवा संसद संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती कटेजा जी, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर श्री वीके कपूर जी और विभिन्न महाविद्यालयों के संचालकगण, अतिथिगण, नए भारत के नए सपने को लेकर मेरे सभी आकांक्षी नौजवान साथियों, जो मैं आपकी आंखों में उमंग, उत्साह, लक्ष्य और नए भारत बनाने के सपने को देख रहा हूं, मुझे विश्वास है कि हम नए भारत सपने को पूरा कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो आपके प्रयासों से, आपके आकांक्षाओं से, आपकी उम्मीदों से ही हम नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। नौजवान साथियों, हमारे देश का भविष्य उम्मीद हमारे नौजवानों से है और इसी आकांक्षाओं को, इसी आशाओं को लेकर, इसी उम्मीदों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे 4 महिला छात्राओं ने अपने विचारों को रखा, अपने अनुभवों को साझा किया, नए भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एक विचार रखे। और जो मैं यहां पर देख रहा हूं, कि जिस तरीके का उत्साह है, उमंग है, आत्मविश्वास है, वह आत्मविश्वास आने वाले समय में परिणाम में लाएगा तो मेरे नौजवानों की ताकत के बलबूते पे लेके आएगा। और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश होने के कारण आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, एक साझा भविष्य के आधार पर हमारी कार्य संस्कृति, संस्कार, विचार, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के आधार पर, कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानकर, एक भविष्य मानकर किस तरीके से आने वाले समय के अंदर हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर नए भारत का निर्माण नहीं, पूरे विश्व के नए निर्माण की तरह बढ़े, इसकी जिम्मेदारी इस लोकतांत्रिक देश में भारत के नौजवानों की है। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश का नौजवान, जिसने आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ी लेकिन आजादी का लड़ाई का इतिहास पढ़ा है, उन्होंने हमारी विरासत को समझा है, हमारी संस्कृति विचारों को समझा है, और इसीलिए जिस देश का इतिहास और विरासत समृद्ध होती है
उस देश का भविष्य भी समृद्ध होता है। और इसलिए जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला है नौजवान किस तरीके की आजादी की लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान को आजाद कर पाएगा। लेकिन उस समय उस नौजवानों ने स्कूल छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, विश्वविद्यालय छोड़ा, अपनी किताबें छोड़ी, जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों को लेकर भारत की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, बलिदान दिया। जब आप आजादी के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कितने नौजवान जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पण सेवा के लगा दी, आज उसी कुर्बानी और बलिदान से ये देश आजाद हुआ है। तो जिस देश का नौजवान राष्ट्र के प्रति इतनी समर्पित सेवा भाव का हो, जब दुनिया के अंदर भारत का समय अच्छा हो, अवसर अच्छा हो, उस समय हम दुनिया के अंदर नेतृत्व कर पाएंगे तो नौजवानों की ताकत और सामर्थ्य के कारण ही कर पाएंगे। और इसीलिए जब मैं इस कालखंड को देखता हूं, यह आजादी के अमृत कालखंड को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि आज भारत का नेतृत्व सशक्त है, आज भारत की ताकत दुनिया में ज्यादा है, डेमोक्रेसी के अंदर भारत सबसे बड़ा देश है, डेमोग्राफी में हम सबसे बड़े देश हैं, डाइवर्सिटी में हम सबसे बड़े देश हैं, और विशेष रूप से नौजवानों की ताकत और सामर्थ्य में और कौशल और कुशलता के अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और इसलिए इस कालखंड हम सबके लिए स्वर्णिम कालखंड है। इससे अच्छा समय और अवसर हमारा हो नहीं सकता। जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियां स्पष्ट हो, ईमानदार शासन प्रणाली हो, दूरदर्शी नेतृत्व हो, दिशा सही हो, और उसमें भारत के नौजवानों की सामर्थ्य, उनके इनोवेशन, उनकी नया सोच, नई ताकत हो, तो क्यों नहीं भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। और इसीलिए आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं देश के लोकतंत्र के अंदर लोगों के विश्वास और भरोसे जो बढ़ रहा है उसमें नौजवानों की भागीदारी सक्रिय रूप से बढ़े। हमने जो कुछ भी देश में परिवर्तन किया है वो इस संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से किया है। हमने 75 साल में सामाजिक आर्थिक जो कुछ भी परिवर्तन की दिशा बनाई है वो लोकतंत्र के माध्यम से बनाई। और भारत के अंदर लोकतंत्र की सामर्थ्य इतनी है कि 17 आम चुनाव के अंदर लगातार मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ना, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ना, और उसी भागीदारी के कारण हमारा लोकतंत्र सशक्त भी हुआ है, मजबूत भी हुआ है, और लोकतंत्र जवाबदेही भी हुआ है। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है
कि हमारे आकांक्षी जो नौजवान हैं वो लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाए, नीतियों फैसलों कानूनों के अंदर उनकी सक्रिय भागीदारी हो। मेरे यहां पर कई लोग के विद्यार्थी भी बैठे हैं, कई पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी बैठे हैं, कई इंजीनियर बैठे हैं, अलग अलग कॉलेजों विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी बैठा है। अगर हमें नए भारत का नई भविष्य बनाना होगा तो हमारी भागीदारी को हमें बढ़ाना होगा, और भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में होने वाले हर निर्णय के अंदर देश के जितने नौजवानों की भागीदारी होगी उतना ही निर्णय अच्छा होगा, उतना ही बेहतर कानून बनेगा। और इसीलिए जब हम बदलाव लोकतंत्र के माध्यम से ही करते हैं, अभी मैं देख रहा था, मुझे वीसी साहब कह रहे थे कि लोकतंत्र है, जिस विद्यालय महाविद्यालय की छात्रा बोलने आती है उस विद्यालय के महाविद्यालय जोर से ताली बजाते हैं, ये लोकतंत्र की ताकत है। हमारे लोकतंत्र की ताकत यही है कि सहमति असहमति चर्चा संवाद मुद्दों पर डिबेट और उसमें जो सर्वसम्मति बनती है उससे देश आगे बढ़ता है। हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। जब लोकतंत्र की जननी का इतिहास हम पढ़ेंगे तो वैदिक काल से लेकर अभी तक हमारा लोकतंत्र दुनिया के अंदर सबसे पुराना भी है, और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भी भारत की पहचान आज दुनिया के अंदर है। और इसीलिए पहचान नहीं है कि आजादी के बाद भी दुनिया के कई देशों में कई बदलाव हुए, लेकिन हमारे लोकतंत्र की ताकत ऐसी थी जनता के जनादेश पर सहज रूप से सत्ता का स्थानांतरण होता देखा तो दुनिया के अंदर इसी देश में देखा है, जहां इतनी डाइवर्सिटी हो। दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी भारत में है, जहां अलग अलग धर्म हो, अलग अलग न्याय हो, जहां सबको मताधिकार हो, सबको बराबर का अधिकार हो, दूर दराज के गांव ढाणी तक भी हमारा सहज मतदाता निर्णय करता है, फैसले करता है, और जो फैसले निर्णय करता है वो जिसको जनादेश मिलता है, जिसको जिम्मेदारी मिलती है, उसका सहज रूप से हस्तांतरण दुनिया में कोई देश है तो भारत है। इसलिए आपको लोकतंत्र की ताकत को समझना होगा। मेरे कई नौजवान राजनीति लोकतंत्र की भागीदारी से पीछे हटते हैं। हम अगर अच्छे शासन की बात करेंगे, नए भारत की बात करेंगे तो कौन लाएगा? हमारे मताधिकार से ही हम लोगों को चुनकर भेजेंगे, और जिनको चुनकर भेज रहे हैं वह अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को ठीक रखे। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? केवल मताधिकार देना ही हमारा कार्य नहीं है, हमारा काम यह भी है कि जिनको चुनकर भेजा है वह वहां पर सक्रिय भागीदारी निभाए, जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करे, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए आप सब 18 19 20 साल के नौजवान हो, और आपके लिए इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता कि जब हम 25 साल के इस कालखंड को लेकर चलेंगे और भारत का नौजवान बहुत आकांक्षाओं से, बहुत अपेक्षाओं से, बहुत उम्मीदों से, जुनून से काम करेगा तो हम दुनिया के अंदर नेतृत्व भी करेंगे। और आज भी दुनिया के अंदर अगर कई निगाह हैं तो भारत की ओर है, कई निगाह है तो भारत के नौजवानों की ओर है। जब मैं दुनिया के अंदर कई देशों में जाता हूं तो पता चलता है कि वहां की जवानों की आबादी कम होती जा रही है,
हमारे देश के अंदर नौजवानों की आबादी भी बढ़ी है और कौशल और कुशलता नए इनोवेशन के अंदर भी हमारी सामर्थ्य और ताकत बढ़ी है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दुनिया के अंदर हमारे नौजवान ही आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर भी और भारत के बाहर ही नेतृत्व करेंगे, इसलिए दुनिया की अपेक्षा भारत से ज़्यादा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जब भारत की अपेक्षाएं हमारी ज़्यादा है तो भारत की शासन की अपेक्षा, भारत की जनता की अपेक्षा, देश के नौजवानों से ज़्यादा अपेक्षा है कि हमारे आकांक्षी नौजवान उस सोच से, उस चिंतन से अपनी कार्य संस्कृति को और डेवलप करें ताकि आने वाले समय में दुनिया में हम नेतृत्व कर सकें। और इसीलिए आज कोई विषय नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, आपने G20 के अंदर भारत की अध्यक्षता में भारत के नेतृत्व को देखा। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी भारत के अंदर जो नई अपेक्षाएं के आधार पर हमने पूरे विश्व की जो अपेक्षाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, संकट है, उसका समाधान का रास्ता हमने निकाला। और आज इतनी बड़ा देश होने के बाद भी जैसे वाइस चांसलर जी कह रहे थे कि हमने हमारे जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल, हमने हमारे विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह, हमने हर विकास के अंदर पर्यावरण को और जलवायु को विशेष ध्यान रखकर हमने विकास की योजनाएं बनाई है। अब इतना बड़ा देश जिसकी अपेक्षाएं विकास की दृष्टि से बहुत आगे है, लेकिन विकास के साथ साथ हमने हमारे पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर और जो विकास की योजनाएं बनाई है, ये भारत की कार्य संस्कृति और यह भारत की दिशा देख करती है। आज समय हमारे पास तेजी से औद्योगिकरण का युग था, लेकिन हमने कहा नहीं, औद्योगिकरण करेंगे लेकिन पर्यावरण को संतुलित बनाकर। और इसीलिए आज जो कुछ भी परिवर्तन करना है वह परिवर्तन हम सबको करना है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं दिशा में काम करना है। हमारे जीवन के अंदर, हमारी कार्यप्रणाली के अंदर हम भारत को जब आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो दुनिया की हर चुनौतियों का समाधान आपको करना होगा, दुनिया के अंदर हर इनोवेशन का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। और इसीलिए हम आत्मनिर्भर भारत जब बनाएंगे, जब हमारे प्रोडक्ट दुनिया के अंदर उन प्रोडक्टों की गूंज होगी, और ये करना पड़ेगा हमारे नौजवानों को। इसलिए भारत की आकांक्षा हमारे नौजवानों से है और उस आकांक्षा के अंदर हम साझे भविष्य के साथ, सारे विश्व के कल्याण की कार्य संस्कृति के साथ हम काम करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारे नौजवान आने वाले समय में बहुत उत्साह, उमंग, जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ बड़े लक्ष्य बनाकर और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे जुनून आत्मविश्वास से काम करेंगे, दुनिया के हर चुनौतियों, हर आपदा, हर संकट का समाधान भारत में निकलेगा, भारत का नौजवान उन चुनौतियों का समाधान करेगा, यही सामर्थ्य हमारे नौजवानों में होनी चाहिए। मैं सभी नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो अलग अलग महाविद्यालय से, कॉलेज के नौजवान आए हैं, उन सबको हम संसद के भवन का भ्रमण कराएंगे, देखेंगे आत्मनिर्भर भारत की झलक, आत्मनिर्भर लोकतंत्र की ताकत संसद को, और देखेंगे किस तरीके से इस संसद के अंदर हमारे इतिहास, हमारे विरासत और उसके बाद
हमारे नए भविष्य का भारत कैसे बन रहा है, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो विद्यालय के संचालक हैं वह योजना बनाएंगे भारत की संसद को देखने की, और मुझे आशा है कि आप संसद भी देखेंगे और संविधान भवन भी देखेंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।